بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومحكم خطابه بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم صلوات برادران عزیز توحید اور حسین اس عنوان سے ہمارا فکری سفر جاری ہے سرنامہ قرآن آیت الکرسی 29 ذوالحجہ کو جب غور کر رہا تھا کہ اس مرتبہ عشر اعضاء کا عنوان کیا ہو اور نظر آیت الکرسی پہ ٹھہری تو ارادہ یہی تھا کہ کوشش یہ کروں گا کہ 9 مجلسوں میں 9 محرم تک آیت الکرسی کے تقریباً تمام فقروں پر کچھ گفتگو ہو جائے مگر گفتگو جب شروع ہوئی تو آپ تو گفتگو میں میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں پہلا ہی کلمہ اسم مبارک اللہ اس کلمے کی ابھی ظاہری اور لفظی بحث بھی تمام نہیں ہوئی تمام نہیں ہوئی یہ تو الگ بات ہے یہ افاضل موجود ہیں یہ جانتے ہیں کہ ابھی اس ضمن میں جتنے عناوین بحث ہیں ان کا ذکر بھی نہیں آیا یہ لفظ بھی بے پناہ ہے اس کے آثار بھی بے پناہ ہیں کوئی اللہ سے وابستہ ہو کے تو یہ جو ساری دنیا محمد اور آل محمد کے ذکر ان کے ذکر کو مٹانا چاہتی ہے اور یہ مٹتا نہیں جتنا مٹانا چاہتی ہے اتنا ہی بڑھتا ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ یہ حصار اللہ میں ہے ساری دنیا مل کے چاہے کہ نام گرامی محمد مٹ جائے محمد رسول اللہ کا کلمہ مٹ جائے اثر اللہ
अब ये मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। सारी दुनिया में को चाहे कि अली वली अल्लाह का कलमा मिट जाए, अब ये मुमकिन नहीं है। इसलिए कि ये कलमात हिसार अल्लाह इनकी जात, इनके सिफात, इनके अफ़ाल, इनका इनके खुद नाम, इनके अस्मा, इनके अलकाब, इनके मुअज्जज़ात, इनके करामात सब इनके कब हैं। इनका तो खुद ऐलान है ये अल्लाह के हैं। जब कोई अल्लाह का हो जाए तो फिर अल्लाह उसका हो जाए। सलावात पढ़ दीजिए। अल्लाह का हो के तो देखे, लोग दावे करते हैं अल्लाह के होने के, अल्लाह के होते नहीं है। सबके दावों की हकीकत इमाम हुसैन ने खोल कर रख दी। अपने अमल से भी, अपने कौल से भी। वही फकरे जो मैंने एक दिन अर्ज किए थे आपके सामने, الناس عبيد الدنيا يا الناس عبيد الدنيا, लोग तो बंदगान दुनिया है। والدين لعق على السنتهم, और दीन उनकी जबानों पर इस तरह है जैसे चटनी। ये सच है, अगर तख्त व ताज लेने के लिए लफ्ज अल्लाह जरूरी है तो फिर अल्लाह का सहारा लेंगे। अगर हुकूमत कायम करने के लिए अल्लाह का इनकार लाजमी है तो कह देंगे कि न कोई वही नाजिल हुई, न कोई फरिश्ता नाजिल हुआ, ये तो बनी हाशिम ने हुकूमत कायम करने के लिए ढोंग रचा था। ये तारीख, जहाँ नाम अल्लाह के सहारे से हुकूमत मिले वहाँ नाम अल्लाह, जहाँ नाम अल्लाह से बेजारी वहाँ नाम अल्लाह से नऊज़ु बिल्लाह बेजारी। अन्नास व अबीदु दुनिया व दीन लअकुन अला अलसनतिहिम यहूतूनहु मा दर्रत मआयिशुहुम, जब तक उन पर दुनिया का करम रहता है, खून बरसता रहता है, जब तक उनके आयश व इशरत में कमी नहीं आती, वो दीन को चुगलाते रहते हैं। فَإِذَا مُحِصُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُونَ, और अगर उनकी आजमाइश हो जाए तो फिर दीनदार बहुत कम रह जाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इमाम हुसैन अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन, इसी जुमले से पता चलता है कि दूसरों का तस्करा क्यों नहीं होता, हुसैन का तस्करा क्यों होता। अली का तस्करा क्यों होता है, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कौन सी ताकत है जो सुबह सवेरे आपको खींच के यहाँ ले आती है। मैं मुआजना नहीं कर रहा, मुआजना नहीं कर रहा, लेकिन कल शाम की एक गुफ्तगु में भी ये जुमला जबान पर आ गया था और इस वक्त भी जबान पर आ रहा है। इन्होंने इस तरह अपने को फना किया है ज़ात हक में, कि ज़ात हक में इनके तज़किरे में वो जाज़िबियत और जज़्ज़ाबियत रखी है कि लोग उसकी नमाज पढ़ने के लिए भी उस वलवले से नहीं जाते जिस वलवले से जिक्र हुसैन।
मैं नहीं कर रहा। नमाज अजीम तरीन इबादत, मजलिस आज़ा सिर्फ इसलिए मुनाकिद होती है ताकि आपको नमाज वाला मिजाज अता कर सके। आपको आपके नफ्स को आपके जहन को वो तरबियत हासिल हो जाए कि आप जमीयत खातिर के साथ नमाज पढ़ सकें। जब आप यहाँ ये सुनेंगे कि हुसैन ने तलवारों के साए में नमाज पढ़ी, तो आप इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ने पढ़ते वक्त कैसी जमीयत खातिर मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में, अपने मराकज में, अपने घरों पर, अपने घर की मस्जिद में जिसे मस्जिदुल बैत कहते हैं, अपने मुसल्ले पर किस कदर सुकून से, वकार से, इत्मीनान से रुजू इल्लाह के साथ नमाज पढ़ेंगे, ये मिजाज मिलेगा कहाँ से? ये कहीं से ये मिजाज मिलेगा? वो शौक, वो जज्ब, वो जुनून कहीं से नहीं मिलेगा इल्ला जिक्र हुसैन। बारह, ये वो चीजें हैं जो आपको मालूम है मगर फिर भी तज़क्कुर के तौर पर, याद दहानी के तौर पर मैं जिक्र करता रहता हूँ, इसलिए कि ये वो बातें हैं जिनका जितना ज्यादा तज़किरा किया जाए कम है। बच्चों के लिए, जवानों के लिए, नौजवानों के लिए, गाफिलों के लिए, उनके लिए जो इन हकायक से आशना नहीं है, उनके लिए जो इन हकायक से आशना नहीं होना चाहते, उनके लिए जो इन हकायक से आशना होकर ना आशनाई का इजहार करते हैं, बार बार तज़किरा करने के असबाब एक से ज्यादा हो सकते हैं। ये जरूरी थोड़ी है कि आप अगर इस हकीकत से वाकिफ हों तो फिर इसका तज़किरा न किया जाए। तज़किरा करने के असबाब बहुत होते हैं। तो ये तज़किरे क्यों जिंदा हैं? इसलिए कि हिसारे अल्लाह, ज़ात हक़ समदी, उसका नाम गिरानी अल्लाह। मैंने अर्ज़ किया था कि उदबा में नहवियों के दरमियान इस्तिलाह कदीम, इस्तिलाह कदीम में नहवी और सरफी में फ़र्क नहीं करते थे। नहवी का इतलाक होता था तो नहवी और सरफी सब उसमें मुराद होते थे, शामिल मुराद। या इल्म इश्तिकाक के माहरीन में जो अरबी जबान के अल्फाज के शजरों का इल्म रखते हैं, अब तो लोग अपने अपने शजरों का इल्म नहीं रखते। मगर देखिए तो सही, क्या दौर आ गया है, क्या गजब का दौर है, क्या कयामत का दौर है, क्या मुनकर मारूफ बन गया, मारूफ मुनकर बन गया। लोग इंसानों के शजरे महफूज नहीं रखते, घोड़ों के शजरे अब भी महफूज रखते। कहीं कोई असील घोड़ा मिल जाए तो क्या कीमतें लगती हैं उसकी, और कहीं कोई असील इंसान पैदा हो जाए तो क्या बेकीमत होके रह जाए। क्या बेकीमत बना के छोड़ देते हैं, कैसा दौर आ गया है। बहरहाल वो थे कि जो अल्फाज के शजरे भी महफूज रखते थे। एटीमोलॉजी, इल्मुल इश्तिकाक, वो कहते हैं देखिए हर लफ्ज के बारे में ये बहस है। मसलन लफ्ज आम्र, अलिफ हमजा मीम रे, हमजा मीम रे, आम्र। अब उसूलीन जब हमारे यहाँ उसूल फ़िक़्ह की बहस होती है, उसूल फ़िक़्ह किस लिए? ताकि अम्र अल्लाह को, अम्र इलाही को कशफ कर सकें, दरियाफ्त कर सकें। किसी आयत को पढ़ें, किसी हदीस को पढ़ें तो उसके मतन को शिगाफ्ता करके उसके अंदर जो हुक्म खुदा है उसे समझ सकें। इसके लिए चाहिए कौन सा इल्म? इल्म उसूल फ़िक़्ह। लेकिन तन्हा इल्म उसूल फ़िक़्ह काफ़ी नहीं है। इल्म उसूल फ़िक़्ह तो बिल्कुल आखिरी दर्जे पर है। सबसे पहले तो अरबी उलूम चाहिए, अदबियात, सर्फ़ व नहव, इश्तिक़ाक़ व मानी व बयान, और उसके बाद फिर उलूम बलागत से गुजरते हुए
منطق اور منطق کے بعد فلسفہ اور فلسفے کے بعد پھر علم اصول علم اصول کے ساتھ ساتھ پھر پیرلل اس کے علم حدیث علم رجال علم تفسیر یہ سب ساتھ ساتھ چلتے ہیں جب یہ تمام علوم سامنے ہوں تو پھر کسی ایک فقرے سے حکم خدا کشف کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے کسی ایک جملے سے کسی ایک فقرے سے حکم خدا کشف کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے کب سے آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے تھے اور آپ سمجھتے تھے کہ کوئی پوچھے گا تو اس کی دلیل کہاں سے بتائیں گے آپ کے سامنے اس طالب علم نے عرض کیا کہ یہ دلیل بدامہ ہے دلیل کہیں اور لینے کے لیے نہیں جانا ہے یہ الحمدللہ خود دعویٰ بھی ہے دلیل بھی ہے اور ایک دلیل نہیں ہے جتنے فقرے ہیں وہ سب ایک کے بعد دلیل بعد از دلیل دلیل بعد از دلیل دلیل بعد از دلیل اسی طرح یہ آیت کریمہ آیت الکرسی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لفظ اللہ جس حقیقت کبریٰ کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ حقیقت کبریٰ جس کا تمہارا نفس گواہ ہے جس کی تمہاری فطرت آگاہ ہے جس سے وہ حقیقت کبریٰ وہ ایسی ہی ہے تو اس جیسی دو حقیقتیں ہو ہی نہیں سکتی اللہ لا الہ الا ہو اس جیسی دو حقیقتیں ہو ہی نہیں سکتی شبہ ابن کمونا شبہ سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا اس کے قدم بھی مغالطوں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں کوئی دلیل تھوڑی ہے یہ حقیقت وہ ہے کہ جو ایک سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی میں ماہیت کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ ماہیت وہ ہے جو ایک سے زیادہ دو نہیں ہو سکتی یہ حقیقت وہ ہے جو ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتی اللہ اب اس لفظ اللہ ہی میں ادبا میں جتنے اختلافات ہیں میں نے عرض کیا تھا اشارہ کیا تھا کہ خلیل ابن احمد کہتے ہیں کہ یہ مشتق نہیں ہے سیبوئے اور اس کے علاوہ دوسرے ماہرین بڑے ماہرین کہتے ہیں کہ نہیں مشتق ہے اب جب وہ کہتے ہیں مشتق ہے یعنی اس کا بھی کوئی روٹ ورڈ ہے اور اس سے یہ بنا ہے تو وہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ پھر کیا ہے روٹ ورڈ حمزہ لام اور ہے الہ ہے وہاں پھر بحث ہے الہا ہے الہا ہے الوہا ہے کس سے بنا ہے الہا سے بنا ہے یا ولہا سے بنا ہے ولہا سے بنا ہے یا لاہا سے بنا ہے واو لام ہے یا لام الف ہے کتنے قول ہو گئے ہر قول والے کے پاس ایک دلیل ہے یا ایک سے زیادہ دلیل ہے پھر ان دلیلوں پہ بحثیں ہیں کہ آپ کی دلیل درست ہے یا نہیں آپ کے پاس نظائر ہیں یا نہیں آپ کے پاس شواہد ہیں یا نہیں وہ شواہد وہ نظائر بھی کارآمد ہیں یا نہیں واقعاً جسے شاہد کے طور پہ پیش کر رہے ہیں وہ شاہد ہے یا کہیں آپ کو مغالطہ ہو رہا ہے جسے آپ نظیر کے طور پہ پیش کر رہے ہیں وہ نظیر ہے یا بے نظیر ہے یا لا نظیر ہے ہر جگہ بحث ہے یعنی یہ سب ابھی لفظی بحثیں ہیں معنی تو بہت دور اور پھر الہا کے معنی کیا ہیں ولہا کے معنی کیا ہیں لاہا کے معنی کیا ہیں ہر معنی کے بعد لفظ اللہ میں بنیادی معنی کیا ہوں گے مثلا لاہا لاہا کے معنی علا وارتفع بلند ہوا اب یہاں پر یہ بھی ٹھہر کے عرض کر دوں کہ یہ اشتقاق علم الاشتقاق خود آج تک نا تمام و نامکمل ہے ایک اشتقاق صغیر ہے ایک اشتقاق کبیر ہے ایک اشتقاق وسیط ہے اور ایک اشتقاق وہ ہے
بلکہ اشتقاق کے اور بہت سے نظریات وہ ہیں جو کتابوں میں منتشر ہیں نہ وہ کبیر کے ذمن میں آتے ہیں نہ وہ صغیر کے ذمن میں آتے ہیں نہ وہ وسیط کے ذمن میں آتے ہیں مگر ان کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا اس لیے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جب خود اہل زبان کہے کہ یہ لفظ اس سے مشتق ہے تو کسی نااہل کو اعتراض کا موقع کیا ہے کچھ لوگوں نے ایک میزان بنا لیا ایک معیار بنا لیا کہ یہ لفظ اس سے مشتق ہے اور اگر کوئی اور کہے بظاہر اس میزان پہ نہ اترتی ہو بات لیکن کہیں کہ یہ مشتق اس سے ہے آپ روزانہ ایک دعا پڑھتے ہیں اللہم بحق محمد وانت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان اس دعاء میں دعا کی دعا ہے اشتقاق کا اشتقاق اب فاطمہ کلمہ فاطر السماوات والارض سے کس طرح مشتق ہوا محمد محمود سے مشتق ہوا یہ تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا حسن اور محسن حسین اور قدیم الاحسان مگر یہ کسی غیر نے نہیں تعلیم فرمائی ہے دعا اجلے علماء نے اپنے تذکروں میں اور ادبی مباحث میں نقل کی ہے یہ دعا اور اشتقاق پہ روشنی ڈالی ہے تو یہ اشتقاق کی بحث کتنی پیچیدہ ہے لاہا یعنی علا وارتفع بلند ہوا اب اللہ جو سب سے بلند ہے اب اللہ جو سب سے بلند ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ دو ہے دو شخصیتیں دو حقیقتیں ایسی نہیں ہو سکتی جو برابر کی بلند ہوں اس بلند کے مقابلے میں وہ اس بلندی پر ہے کہ جس بلندی کے مقابلے پہ صرف پستی آتی ہے وہی ایک بلند ہے وہی ایک اعلیٰ ہے وہی ایک ارفع ہے اس کے علاوہ جو بھی ہے پست ہے اللہ لا الہ الا ہو اس کی حقیقت ذات ایسی ہے کہ اس جیسی دو حقیقتیں ہو نہیں سکتی یہ اللہ کی جو خبر ہے پہلی لا الہ الا ہو یہ وہیں پہ معنی یہ بھی پوشیدہ ہے کہ اللہ وہ بلند ہے مرتفع ہاں وہ بلند ہے اس کے مقابلے میں اس کے مقابلے میں اس کے مقابلے میں اس کے مقابلے میں جو ہے وہ پستی عدم میں ہے بس وہ ہے وہ جو رفعت وجود پر ہے رفعت وجود بھی اس سے ہے چونکہ وہ موجود ہے اس لیے رفعت وجود بھی اس سے ہے اب یہ اس کی ذات کا لطف و کرم ہے وہ جسے چاہے اور رفعت بخش دے مقابل میں علو وہ ہے مقابل میں جو ہوگا پستی وجود وہ ہے مقابل میں جو ہوگا عدم علم وہ ہے مقابل میں جو ہوگا جہل حسن وہ ہے مقابل میں جو ہوگا قبح قدرت وہ ہے مقابل میں جو ہوگا عجز اس کے مقابل میں صرف عدم ہے عدم لیکن جو اس سے آئے پستی نہیں آ سکتی اس سے علو سے علو ہی وجود میں آئے گا علم سے علم ہی وجود میں آئے گا قدرت سے قدرت وجود میں آئے گی ذرا عقل آپ کی عقل باور کرتی ہے کہ علم سے جہالت وجود میں آ جائے علم
ظالم سے جہالت وجود میں آ سکتی ہے نہیں نا نور سے ظلمت وجود میں آ سکتی ہے نہیں نا نور کے مقابلے میں اگر نور کے ذریعے سے سایہ بھی پیدا ہوگا تو وہ سایہ بھی ایسا ہوگا جو تاریکی محض کے مقابلے میں اجالا ہوگا جب اس سے کوئی چیز آئے گی اور اسے احساس بھی ہوگا کہ ہم اس سے ہیں تو وہی تو جھوم جھوم کر رجز کے طور پہ کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون ہم اسی کے ہیں اور اسی کی طرف جائیں گے یہ کس نے کہا اب آپ بھولیے گا نہیں فراموش نہ کیجیے گا اسی نے کہا کہ جس کا نام اس نے اپنے نام سے مشتق کر کے علی رکھا وہ علی اعلی ہے وہ علی عظیم ہے وہ علی حکیم ہے وہ علی قادر و قدیر و علیم ہے وہ علی خبیر ہے اس نے اپنے نام سے مشتق کر کے کسی کو نام دیا یا نہیں دیا ہاں دیا اس کو دیا جو اس کے گھر میں پیدا ہوا کسی اور کو نہیں دیا جو اس کے گھر میں پیدا ہوا اسی کو دیا البتہ یہ پیدا ہوا یہ پیدا ہوا یہ پیدا ہوا اس کے والد کا نام ابو طالب ہے اس کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے اس کے بھائی بھی ہیں اس کے ایک بھائی کا نام جعفر ہے ایک بھائی کا نام عقیل ہے ایک بھائی کا نام طالب ہے اس کے بھائی بھی ہیں اس کے حقیقی بھائی بھی ہیں ایک ماں باپ سے اور اس کا ایسا بھی ایک بھائی ہے جو ایک ماں باپ سے نہیں ہے لیکن اس سے بلندتر ہے ایک ماں باپ سے جو بھائی ہوتے ہیں ان کا رشتہ دنیا تک رہتا ہے ایک ماں باپ سے جو بھائی ہوتے ہیں ان کا رشتہ دنیا تک ہوتا ہے اس کا ایک بھائی ایسا ہے جو کہتا ہے یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ اے علی تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی آخرت صلوات پڑھ دے محمد اور بلندر صلوات پڑھنے اب گفتگو اس منزل تک آ گئی تو ایک سوال کا جواب بھی دیتا چلوں ابھی حال ہی میں مجھ سے کسی بچے نے سوال کیا اور کہا کہ سوال یہ ہے کہ حضور نے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد مہاجر اور انصار کے درمیان رشتہ قائم کیا تھا ایک مہاجر اور ایک انصاری بھائی بھائی بنایا تھا کہا اور علی کو اپنا بھائی بنایا علی بھی مہاجر تھے خود محمد بھی مہاجر تھے یہ کیا ہوا میں نے کہا بیٹا یہی بات مسلمانوں کی سمجھ میں آ جائے تو حل ہو جائے اسی کے
के तो कुछ मानी है। मक्के में उखुवत का कायम करना और मदीने में दो मरतबा से गए उखुवत पढ़ा गया, दो मरतबा मुआखात की रस्म कायम की पैगंबर ने, और ये पूरी दुनिया में तारीख बशरियत में वो मुकद्दस रस्म है जिसे मुस्तफा ने ईजाद किया है सल्लल्लाहु अलैहि। अब इस सिर्फ इस अपने मुआखात और रस्म मुआखात पर मुस्तकिल बहस की जरूरत है, इसके समाजी मुआशरती आसार कितने हैं, इसकी इफादियत कितनी है, मुआशरती इफादियत और सियासी इफादियत, अखलाकी इफादियत, रूहानी इफादियत कितनी है। पैगंबर ने अपने मुआखात कायम किया मदीने में एक मरतबा, मक्के में एक मरतबा, और दोनों मकामात पर, मक्के में भी और मदीने में भी अली को अपना भाई बनाया, और इस फिक्रे के साथ कि अली तुम मेरे भाई हो दुनिया में भी आखिरत में भी, और किसी के लिए नहीं कहा कि मैं तुम दोनों को भाई बना रहा हूँ, तुम दुनिया में भी भाई हो आखिरत में भी भाई हो, किसी के लिए नहीं कहा, किसी के लिए नहीं कहा, लेकिन अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए फरमाया। क्यों फरमाया, क्यों फरमाया, इसलिए कि कोई दूसरा था नहीं जो पैगंबर की उखुव्वत के मर्तबे पे फायज हो सके। अब यहाँ पर एक फकरा और अर्ज करूं कि अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम को अगर हुजूर ऐलान न भी फरमाते कि ये मेरे भाई हैं तो वो तो थे, इब्ने आम जचाजाद भाई थे, सारी दुनिया जानती है, कोई इनकार कर ही नहीं सकता, कोई इनकार नहीं कर सकता, जनाब अब्दुल्ला और जनाब अबू तालिब हकीकी भाई थे, जनाब अब्दुल्ला के फर्जंद हजरत हैं, जनाब अबू तालिब के फर्जंद जनाब अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, तो दोनों एक दूसरे के भाई हैं, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। जब एक हकीकत है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता तो फिर कहने की क्या जरूरत है कि तुम मेरे भाई हो, तहसील हासिल, तहसील हासिल। ये उन जहनों को झिझोड़ने के लिए फरमाया जो कयाम कयामत तक दीन को बनु हाशिम और बनु उमैया का मुआमला समझते हैं, ये खानदानी सियासत की बात नहीं है, ये खानदानी तकाबुल की बात भी नहीं है, बनु उमैया बनु हाशिम होने की हैसियत से, खानदान अब्दुल मुत्तलिब में होने की हैसियत से, खानदान हाशिम में होने की हैसियत से, अब्दुल्लाह का बेटा मैं हूं, अबू तालिब के बेटे अली हैं, हमारे दरमियान भाई का रिश्ता मौजूद है, लेकिन ये रिश्ता दुनियावी रिश्ता समझा जाएगा, ये रिश्ता सिर्फ खूनी रिश्ता समझा जाएगा, मैं बहैसियत रसूलुल्लाह नबीयीन एक और हैसियत रखता हूं, मैं उस हैसियत में अली को अपना भाई बना रहा हूं। बिल्कुल इसी हकीकत को और तहलील कर लीजिए, वो जितनों के भाई बनाए गए थे उन सब के खानदान रहे होंगे या नहीं, अंसार अपने खानदान रखते थे, महाजरीन अपने खानदान रखते थे, सबके भाई बहन थे, सबको मालूम था कौन किसका भाई है, कौन किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी है, अगरचे वो जमाने जाहिलियत की तारीख बड़ी अजीब व गरीब है, कभी कभी कहते हुए शर्म आती है, तारीख पढ़िएगा तो आपकी आंखें
झुक जाएंगी, निगाहें झुक जाएंगी। ऐसे भी बेटे पैदा हुए जिनके मुद्दई चार चार पैदा हो गए। हर शख्स कहता था ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। माँ से पूछा गया अब आप बताइए किसका बेटा है। मैं जब मिंबर पे आता हूँ तो सीने पे न जाने कितने पत्थर रखे, वरना दरीदा दहनों का जवाब मैं भी दे सकता हूँ। मेरा मिजाज नहीं है, या ये कहिए कि मेरे भी एक से ज्यादा मिजाज हैं। जब जिस मिजाज की जरूरत होती है उस मिजाज से खिताब करता हूँ। ऐसे भी है तारीख में चार चार मुद्दई। तो बहरहाल सबके अपने अपने खानदान थे, जैसे जैसे खानदान थे। वैसे वैसे थे। जब इस्लाम का कलिमा पढ़कर ये सब दायरे इस्लाम में आए तो अब जो उखुवत कायम हो रही थी वो उखुवत इस्लामी थी, वो उखुवत इस्लामी थी। उखुवत कायम फरमा रहे थे तो उसमें भी एक साइंसी दर्जा बंदी रखी पैगंबर ने। तशबीह के तौर पर मैं कह रहा हूँ, किस तरह मीरास में दर्जा बंदी है। जब तक पहले तबके के लोग मौजूद होंगे दूसरे तबके को मीरास नहीं मिलेगी, दूसरे तबके के लोग जब तक मौजूद होंगे तीसरे तबके को मीरास नहीं मिलेगी। एक कायदा है बुनियादी अबवाब मीरास में, अबवाब फराइज में, अल अक़रब यमनउल अबअद, ये कायदा अपनी जगह। तो एक दर्जा बंदी है। इसी तरह जब इस्लाम के दायरे में एक को दूसरे का भाई बना रहे थे तो कोई और नहीं बना रहा था, ये पैगंबर बना रहे थे। वो पैगंबर जिनका इरशाद है कि मैं कयामत तक आने वालों की नस्लें जानता हूं। पैगंबर मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आने वालों की नस्लें पहचानता हूँ, मैं जानता हूँ कौन किसका बाप है, कौन किसका बेटा। रिवायत है कि एक मर्तबा पैगंबर को जलाल आ गया, मस्जिद में मिंबर पे तशरीफ ले गए, कहा मैं जानता हूँ कि कौन किसका बेटा है। एक शख्स खड़ा हुआ, कहा बताइए मैं किसका बेटा हूँ। कहा बता दूंगा तो तू शर्मिंदा हो जाएगा। उसकी शर्मिंदगी के लिए तो काफी था ना। रिवायत है, रिवायत। दूसरा खड़ा हुआ, उसको कहा कि तुम जिस बाप के नाम से मारूफ हो वही तुम्हारा बाप, तस्दीक की। तीसरा खड़ा हुआ, उसके लिए किसी और का नाम बताया, शशतर रह गया। जब लोगों ने देखा कि ये तो फजीहत का दरवाजा खुल गया है, सब खड़े हुए, या रसूल अल्लाह आप रहमान और रहीम के रऊफ और करीम रसूल हैं। रसूल को रसूल के करम का वास्ता देकर खामोश कर दिया। खामोश हो गए, मिंबर से नीचे आ गए। उसके बाद लोगों ने कहा कि हम यही करते हैं, जब रसूल को जलाल आता है हम उनको करम का वास्ता देते हैं, वो खामोश हो जाते हैं। ये
رسول کا واقعہ ہے رسول کا جو رسول سب کی نسلیں جانتا ہے قیامت تک کی نسلیں جانتا ہے ازل سے ابد تک کی نسلیں جانتا ہے وہ جب عقد مواخات کرے گا وہ بنا رہے تم اس کے بھائی ہو وہ اس کا بھائی ہے علی میرا بھائی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی صلوات پڑھنے محمد کر رہا تھا کہ ایک بچہ خانے خدا میں پیدا ہوا اللہ نے اپنا نام مشتق کر کے اس کو دے دیا اس کے گھر میں پیدا ہوا اللہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا کیا شرف ہوگا اس ذات کا جسے اللہ نے یہ شرف بخشا دیکھیں تاریخ میں بعض جملے ہیں جو اعزاز کے طور پر کہے جاتے ہیں میں بلا تشبیہ یہ بات ہے بلا تشبیہ ایک فقرہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے فارسی اور عربی والے بھی استعمال کرتے ہیں بلا تشبیہ جہاں تشبیہ ہو مگر تشبیہ دینا مقصود نہ ہو ایک گونا مشابہت ہو مگر مشابہت دینا خلاف مقتضائے واقعہ ہو تو اب بلا تشبیہ کہنا پڑے گا ایک شخصیت ہے تاریخ اسلام میں جس کا نام ہے حضرت محمد ابن ابی بکر عظیم الشان زہاد میں سے ہیں زاہد متقی عارف عارف متقی زاہد زہاد و عباد وقت میں ان کا شمار ہوتا ہے بہت بڑا مرتبہ ہے اور ساتھ میں دانشمند مدبر مفکر بھی مدبر بھی جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان کے لیے محمد ابنی من صلب ابی بکر سبحان اللہ محبت محمد میرا بیٹا ہے مگر ابو بکر کی نسل سے ہے ان کے صلب سے ہے بیٹا میرا اس کو حضرت محمد ابن ابی بکر کے شرف میں سمجھا جاتا ہے تمام تذکرہ نگاروں نے ارباب تاریخ نے ارباب سیر نے علم رجال کے ماہرین نے اس فقرے کو نقل کیا ہے کہ علی ابن ابی طالب نے کہا کہ محمد میرا بیٹا ہے مگر ان کے ان کی صلب سے ان کی نسل سے یہ مقام شرف ہے نا جو کبھی کبھی کسی کا بیٹا ہوتا ہے مگر کوئی اور لے کر اسے پالتا ہے تربیت کرتا ہے اور کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے ہم اہل توحید ہیں ہم کسی کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے نہ کہہ سکتے ہیں ہرگز نہیں کہہ سکتے مگر اس واقعے کا انکار نہیں کر سکتے کہ ابو طالب کے بیٹے کو خدا نے لے لیا نسل سے ابو طالب کے ہیں پیدا اللہ کے گھر میں ہوئے نسل ابو طالب کی ہے صلب ابو طالب کی ہے پیدا کہاں ہوئے کس کے گھر میں
मुसलमान हैं, आपको हक नहीं है कुछ और कहने का। काबे में पैदा हुए, अल्लाह के घर में पैदा हुए, और अल्लाह के घर में जब पैदा हुए तो अल्लाह ने और इहतमाम किया। जब माँ निकली तो बाप के हाथ में नहीं देने दिया, मुहम्मद रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह की है। अल्लाह के घर में पैदा हुए और रसूलुल्लाह की आगोश तरबियत में रहे। रसूल किसके तरबियत याफ्ता? रसूल ने कहा अद्दबनी रब्बी फहसन तादीबी, मेरे रब ने मेरी तरबियत की है, और क्या अच्छी तरबियत की है। मेरे रब ने मुझे अदब सिखाया है, क्या अच्छा अदब सिखाया है। मोहम्मद की तरबियत की अल्लाह ने, अली की तरबियत की रसूलुल्लाह ने। अब अली के अलावा कौन हो सकता है जिसे रसूल कहें कि ये मेरा भाई है दुनिया में भी आखिरत में। ये तज़किरा वो है, बात वहाँ तक चली जाती है जहाँ एक दुनिया हैरत की होती है, हैरत और इस्तेहजाब। बहरहाल अब मैं एक जवाब भी देता चलूं क्योंकि वक्त तेजी से गुजर रहा है। परसों की तकरीर में मैंने अर्ज किया था कि लफ्ज़ मुबारक अल्लाह से जब गौर कीजिए इसके मानी में, उसी उन्हीं मवाजीन से, मवाजीन वही हैं। पहले लुगत देखिए, इश्तिकाक देखिए, उस लुगत में, उस रूट वर्ड में, उस मादे में बुनियादी मानी क्या है वो मुलाहजा कीजिए, उसका लिहाज करते हुए लफ्ज़ अल्लाह के अंदर पोशीदा मानी को, मानी लफ्जी को कश्फ कीजिए, फिर देखिए कि इस मानी के रखने वाले इस लफ्ज़ को अल्लाह ने अपनी ज़ात के लिए क्यों मखसूस किया। इतना अदबी और मानवी और मंतकी सफ़र जब तय करेंगे तो सबसे पहले एक हैरत की दुनिया सामने आएगी। उस हैरत के आलम में जबान से सबसे पहले आएगा फकरा सुभान अल्लाह। लफ्ज़ अल्लाह के बतन से सबसे पहले जो फकरा आएगा वो होगा सुभान अल्लाह। जब और बात आगे बढ़ेगी तो अल्हम्दुलिल्लाह, जब और बात आगे बढ़ेगी तो ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन इस तरतीब को अभी मैं बयान नहीं कर सका कि सबसे पहले सुभान अल्लाह क्यों, पहले अल्हम्दुलिल्लाह क्यों नहीं। कुरान तो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू हुआ है, कुरान तो बिस्मिल्लाह से शुरू हुआ है, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह है, सुभान अल्लाह तो बहुत बाद में कहीं आया है। लेकिन ये जब हाक़ लफ्ज़ अल्लाह से जो कलिमात निकलेंगे, बतने लफ्ज़ मुबारक अल्लाह से जो कलिमात निकलेंगे अल्लाह, उसमें सबसे पहले सुभान अल्लाह, उसके बाद है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद है ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बाद है अल्लाहु अकबर। ये मैं जिक्र कर चुका हूँ, अभी इसका फलसफा, इसकी हिकमत, इस तरतीब का बयान बाकी है। मालूम नहीं जिस उसलूब से बहस चल रही है वो बयान आएगा या नहीं आ पाएगा, ये मैं नहीं कह सकता, कोई वादा नहीं कर सकता। जिस तरह गुफ्तगू आगे बढ़ रही है बढ़ने दीजिए। इस जिम में मैंने अर्ज किया था कि एक तरकीब और है जिक्र की, जिक्र खुदा की, जिसे तस्बीह जहरा कहते हैं। जहरा का नाम लिया है सलावात। मैंने अर्ज किया था
कि ये तस्बीह पैगंबर ने सिखाई है। सवालात आए कि फिर ये तस्बीह पैगंबर है या तस्बीह जहरा, इसका जवाब कई सतहों पे दिया जा सकता है, मगर ये बताइए आप जहरा को पैगंबर से जुदा कब से समझते हैं? जो कुछ वजूद जहरा है जाहिरी व मानवी वो सब वजूद मुबारक पैगंबर से, इसी तरह जो कुछ वजूद हजरत मुर्तजा है जाहिरी व मानवी वो सब वजूद मुबारक मुस्तफा से है। शजर तैयबा में असल जात गिरामी पैगंबर है, असल वजूद मुबारक मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए हमारा मसलक यही है कि वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे हैं, इसीलिए हम अबू तालिब के हैं अबू लहब के नहीं हैं। हमारी मंतिक बहुत रोशन है, आप अपनी मंतिक बताइए किस मंतिक पर हैं। हमारी मंतिक बहुत रोशन है कि वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे हैं। अबू लहब ने वफा नहीं की, तब्बत यदा अबी लहब। अबू तालिब ने वफा की, नुसरत की, तो अल्लाह ने अबू तालिब के अमल को अपना अमल कहा, अपना अमल कहा। हम भी जिसके अमल को अल्लाह ने अपना अमल कहा हो, हम उसका तज़किरा कभी छोड़ सकते हैं? खुदा वो दिन हमारी जिंदगी में न लाए। हम जिक्र अबू तालिब में भी कुछ कमी करने का सोच सके। बहरहाल ये हस्तियां पैगंबर से जुदा नहीं है। ये तस्बीह बेशक तमाम मुसलमानों में मशहूर है, मारूफ है, तस्बीह है जहरा, तस्बीह है बीबी फातिमा जहरा। तस्बीह तस्बीह जहरा है, मगर जनाब जहरा को तलकीन किसने की? सिखाया किसने? सिखाने वाली जात पैगंबर की है। अलबत्ता यहाँ पे दो रिवायतें, दोनों की तरफ इशारा करके बस आगे बढ़ जाऊंगा, वक्त खत्म हो चुका है। सिर्फ इशारा, एक रिवायत यह है कि जब हजरत जहरा की मंजिल थी आकद की, शादी की, देखिए कल बाप की शादी का जिक्र आ गया था, आज बेटे की शादी का जिक्र आ गया। कल ये सब मैं पहले से सोच के कुछ नहीं आता, ये मेरी कमजोरी है, तो मैं अपनी इस कमजोरी का, अपनी इस नालायकी का एतराफ कर लेता हूँ आपके सामने। कोई प्रिपरेशन करके नहीं आता हूँ मिंबर पर, बस ये कोशिश करता हूँ कि लफ्ज अल्लाह से रिश्ता कायम रहे, बस एक रिश्ता अल्लाह से रिश्ता। मैं रिश्ता अल्लाह से कायम करता हूँ, रिश्ता वो मोहम्मद से कायम कर देता है, अली से कायम कर देता है, हसन से कायम कर देता है। अब उसकी मर्जी, जिसका जिक्र मेरी जबान पर आ जाए अब उसकी मर्जी, उसकी मर्जी। कल हजरत अबू तालिब की शादी का जिक्र आ गया था, आज अब बेख्तियार आपने पूछा कि ये हिकमत क्या है, तो बताने पर मजबूर हूँ। ये जब बहुत से लोगों ने कोशिश की, किस्मत आजमाई की, पैगाम भेजे और सब महरूम रहे, मायूस हो गए, तो सबको फिक्र थी कि आखिर हुजूर अपनी बेटी का अब्द कहाँ करेंगे। अच्छा ये बताइए, खुदा की कसम जो लोग हुजूर की बेटियों की तादाद में बहुत बहस करते हैं, ये बताइए किसी और की शादी के लिए भी इतनी कोशिशें हुई?
बची, कुछ हैं तस्करे, ये गए हुजूर ने मना कर दिया, वो गए हुजूर ने मना कर दिया, वो गए हुजूर ने मना कर दिया। ज़मीरे मैं कह रहा हूँ, जिनकी तरफ ज़मीरे राजे होती हैं उनके नाम आप तारीख में तलाश कर लीजिएगा। ये गए, वो गए, वो गए, वो गए, सब गए और सब वापस मायूस आए। ये कभी और भी हुआ था? ये सिर्फ फातिमा जहरा के लिए क्यों? इसके मानी है कि फातिमा फातिमा है। सब मायूस हो गए। बेशक हुजूर से कहा कि आखिर आपका क्या इरादा है? किससे कह रहे हैं? इसके लिए आयत नाजिल हो चुकी है कि मा यंतक़ु अनिल हवा, ये तो अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ गुफ्तगु ही नहीं करते। लोग कुरान सुन लेते थे, ये कुरान में है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान भी सुनते थे, हुजूर के खुतबे सुनते थे। सूरह मुबारकाए मोहम्मद पढ़ लीजिए, सूरह मुबारकाए मोहम्मद, सूरह मोहम्मद पूरा सूरा है कुरान पाक में, उसमें हुजूर के गिर्द जो लोग मस्जिद में होते थे उनकी तस्वीर कशी की है, कुरान ने की है कि हुजूर खुतबा इरशाद फरमाते थे, कलाम खुदा कलाम रसूल वो सुनते रहते थे और उसके बाद जैसे ही हुजूर खामोश होते थे तो आपस में एक दूसरे से कहते थे क्या कह रहे थे। मादा काला आनेफान, ये अभी क्या कह रहे थे? खुदा की कसम, क्या ये इस्तेहजाए पैगंबर नहीं है? ये क्या तौहीन पैगंबर नहीं है? क्या सबूर था हमारा पैगंबर, किस कदर सब्र किया है पैगंबर, कैसे कैसे अफराद के दरमियान जिंदगी बसर की है। और हुजूर के वो वफादार कितने बड़े साबिर होते होंगे जिनसे ये पूछते होंगे क्या कह रहे थे। अभी मैं तकरीर कर रहा हूं और मेरी तकरीर के बारे में कोई एक दूसरे से पूछ तो ले इस अंदाज से, ये क्या कह रहे थे, झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, चाहने वाले उसके लिए भलाए जान बजाएंगे। पैगंबर के वफादार कैसे सबूर थे, कैसे साबिर थे, कैसे मुहज्जब थे, कितना जुल्म बर्दाश्त करते थे। हुजूर जिसके लिए कुरान ने कहा कि वमा यंतक़ु अनिल हवा, ये अपनी ख्वाहिश नफ्स से गुफ्तगू नहीं करते, उनसे पूछें क्या फैसला है। मैं कब फैसला करता हूँ, फैसला तो ऊपर, मैं रसूलुल्लाह जो फैसला करता हूँ। फैसला हुआ, आप तारीखें, अब वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, मैं आपको रिवायतें मालूम है, मैं सिर्फ एक इशारा करके आगे बढ़ रहा हूँ कि फैसला हुआ और ऐसा रोशन फैसला हुआ, ऐसा ताबनाक फैसला हुआ, ऐसा आसमानी और इलाही फैसला हुआ कि कोई इनकार न कर सका। रिवायत है कि सितारा आसमान से चला। बाज़ लोग ताज्जुब करेंगे, ये रिवायत मौलाना ने पढ़ दी? हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। हज़रत अल्लामे तबातबाई साहिब तफसीर अलमीज़ान जो अपने वक्त के मुल्ला सदरा थे, ये मुबालिगा नहीं है, अगर मुल्ला सदरा पैदा होके आ जाते तो तबातबाई के शागिर्द होते साहिब। तबातबाई का ये मर्तबा है, तबातबाई ने, अल्लामे तबातबाई ने मुल्ला सदरा की गलतियों की तसहीह की है। बाज़ जगहों पे मुल्ला सदरा से सहो किससे नहीं होता, मासूम थोड़ी थे, सहो किससे नहीं होता, कहीं बाज़ जगहों पर मुल्ला सदरा ने मंतकी कजाया के तज़िये और तहलील में गलती की है जिसकी तसहीह अल्लामे तबातबाई ने की है। ये अल्लामे तबातबाई बहरुल उलूम, ये अल्लामे तबातबाई हकीम वक्त, हकीम मुतअल्लिह, अपने वक्त का सदरुल मुतअल्लिहीन,
ये मशहद मुकद्दस में जाया करते थे और हर साल एक महीने के लिए वहाँ कयाम फरमाते थे और सबको इसने बारियाबी हासिल होता था। दानिशमंद उलमा, दानिश्वर तबका, इंटेलेक्चुअल तबका, यूनिवर्सिटी के असातिज़ा, तलबा सब आते थे। किसी ने वहाँ पूछा कि आका क्या ये रिवायत दुरुस्त है, तो आपने फरमाया अगर किसी मासूम से सादिर है तो दुरुस्त है। अब ये अलग बात है मासूम से सादिर है या नहीं है, ये तहकीक की बात है। लेकिन मैं अर्ज करता हूँ कि जब ये रिवायत में है कि सितारा नाजिल हुआ, तो इसके ये मानी थोड़ी है कि ये सितारा जिस जो साइंस की रोशनी में आप देखते हैं सितारों का हजम, उस जिर्म का वजन, कि वो जमीन से भी बड़े होते हैं और वो नाजिल नहीं हो सकते, तो उसकी जरूरी थोड़ी है कि वहाँ लफ्ज सितारा इस माना में इस्तेमाल हुआ, ये थोड़ी लाजिम। सितारा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इसके मानी है कि कोई चमकती हुई रोशन निशानी अल्लाह ने नाजिल की। रिवायत के मानी ये है कि आसमान से एक रोशन निशानी नाजिल हुई, दुनिया की जबान में उसे तारा कहा गया। आप अपने हसीन बच्चों को आफ्ताब और महताब और सितारा और तारा कहते हैं, अल्लाह की तरफ से कोई चमकती हुई रोशन जिया पाश और नूर बेज एक शय नाजिल हुई। अजब नहीं कि फरिश्ता हो जिसे दुनिया सितारा समझ रही है, एक फरिश्ता ऐसा नाजिल हुआ, दुनिया ये तो ना समझी कि ये फरिश्ता है, नूरी मखलूक है, लेकिन उसके नूर की ताबानी ऐसी थी कि जैसे सितारा वो नाजिल हुआ। हुजूर ने जनाबे जहरा से फरमा दिया था कि आज जिसके घर सितारा नाजिल होगा बेटी तुम्हारा अक्द उसी से होगा। बेटी आसमान की तरफ देख रही थी, जैसे ही वहां से सितारा चला बेटी ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, 34 मर्तबा कहने पाई थी कि वो सितारा खाने अली में नाजिल हुआ, बेटी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। 33 मर्तबा कहने पाई थी कि सितारा बुलंद होना शुरू हुआ, कहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद। इस तरतीब से बीबी ने जिक्र फरमाया तो वो तरतीब अपनी जगह हकीकत है। अब शादी हो गई, शादी हो गई, घर में बच्चों की विलादत हुई, घर में काम काज बढ़ा, बीबी पे घर के काम का बोझ बढ़ा, काम करते करते बीबी के हाथ में घट्टे पड़ गए। बीबी से एक मरतबा जनाब अमीर ने फरमाया कि आपके बाबा के पास बहुत गुलाम, बहुत कनीज़ें आती हैं, आप तशरीफ ले जाएं और बाबा से कहें कि कोई कनीज़ें नायत फरमा दें ताकि घर का कामकाज करने में वो आपकी मदद करें। बीबी तशरीफ ले गई, हुजूर ने पूछा बेटी किस लिए आई है, बेटी ने सर झुका के कहा घर का काम बहुत है, कोई कनीज इनायत फरमा दे। तो आपने बेटी ही का नुस्खा बेटी को तालीम फरमा दी। वो जुमले बेटी ने कहे थे शादी के वक्त, अब शादी के बाद जब आई हैं तब तालीम पैगंबर है, पैगंबर तालीम फरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि बेटी मैं ऐसी चीज तालीम करता हूँ जिससे तुम किसी भी खिदमत गुजार से, किसी भी खिदमतगार से बेनियाज हो जाओगी। तवज्जो रखिएगा, जरूरत है मादी,
जरूरत है गुलाम की, जरूरत है कनीज की, काम दुनिया के हैं, चक्की पीसना है, झूला झुलाना है, घर की खाक रोबी करनी है, काम ये है, इसलिए कनीज की जरूरत है। हाथ में बीबी के घट्टे पड़े हुए हैं, आप क्या तालीम फरमा रहे हैं? ऐसी चीज ना तालीम कर दूं जिससे तुम बेनियाज हो जाओ। क्या बेटी जब बिस्तर पे जाओ सोने के लिए ईशा के बाद, तो 34 मरतबा अल्लाह अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा सुभान अल्लाह कह लिया करो। वही जिक्र जो बीबी की जबान पे जारी हुआ था, वही जिक्र पैगंबर ने तालीम फरमा दिया। अब तालीम पैदार, तालीम नबी, तालीम रसूल के तहत बीबी ने यह जिक्र अख्तियार कर लिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? एक कनीज के लिए गई थी ना, कोई फरिश्ता चक्की चला रहा है, कोई फरिश्ता झूला झूला रहा है, कोई खाने सैयदा की खाकरों भी कर रहा है। जिक्र खुदा की ये तासीर, बीबी बेनियाज हो गई खिदमत गुजारों से। अब उम्मत के लिए ये फैज बीबी का है। हुजूर ने बीबी को तालीम फरमाया था, लेकिन अब उम्मत के लिए फैज ये बीबी का है। बीबी ने और बीबी की औलाद से होने वाले मासूम इमामों ने कहा कि हर नमाज के बाद पढ़ो, हर शब सोने से पहले पढ़ो, इसके फजाइल बयान किए, इसके फवायद बयान किए। इसलिए ये तस्बीह, तस्बीह जहरा है, तस्बीह जहरा ही समझ के पढ़ना चाहिए। तस्बीह जहरा पढ़ना बिदअत नहीं है, ऐन तवस्सुल है। तवस्सुल है, तवस्सुल हकीकत तवस्सुल यहां मुजस्सम होके सामने आ जाती है। बस वक्त खत्म हो चुका है, वक्त खत्म हो चुका है। इस घराने से जो भी जिक्र मिलता है वो उम्मत के लिए सूदमंद होता है। जो भी जिक्र मिलता है, मैंने परसों की तकरीर में भी गालिबन इसी मकाम पर आकर यही जुमला बतौर रब्त मसाहिब के कहा था, और आज फिर मजबूर हूँ कि यही कहूँ कि वो जिक्र तो अपनी जगह है। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इसी लफ्ज़ मुबारक अल्लाह से एक जिक्र और आता है सामने, और वह इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिस ज़बान मुबारक सैयद शुहदा पर, इमाम हुसैन की जबान पर यह जिक्र बार बार आया, मदीने से चले तो इन्ना लिल्लाह कहते हुए चले, मक्के से रुखसत हुए तो इन्ना लिल्लाह कहते हुए रुखसत हुए, रास्ते में मुस्लिम इब्ने अकील की खबर मिली इन्ना लिल्लाह इरशाद फरमाया, हानी इब्ने उरवा की शहादत की खबर मिली इन्ना लिल्लाह फरमाया, अपने एक और नामबर कैस इब्ने मुसहर की शहादत की खबर मिली तो इन्ना लिल्लाह फरमाया, करबला में एक एक लाशा उठाते जाते थे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन फरमाते जाते थे। अरे हुसैन ने कैसे कैसे लाशें उठाए हैं, कल मैंने जनाब अली अकबर के मसाइब की तरफ इशारे किए थे, और एक फकरा जो तारीख में आया है वो नहीं कह सका था, और वो फकरा ये है कि सरकार सैयदुश्शहदा ने एक मकाम पर मदद ली है, और वो मदद अली अकबर का लाश उठाने, अली अकबर का लाशा उठाने के लिए। खैमे की तरफ देखा और कहा कि बनी हाशिम के बच्चों आओ, अकबर का लाशा उठाने में मेरी मदद। अजरकुम अल्लाह, अकबर का लाशा उठाने में मदद करो, अकबर का लाशा बच्चों की मदद से उठाया है सरकार ने, और आज जिसका तस्करा है ना वो लाशा कैसे उठाया है, कैसे बयान करूं किसका लाशा है।
इसका लाशा है। तारीख में दुश्मन का कौल ये मिलता है, दुश्मन ने कहा है कि जब हसन का बेटा कासिम मैदान में आया तो ऐसा लग रहा था कि जैसे 14वीं का चांद नहीं। जो दुश्मन की निगाह में 14वीं का चांद हो वो अपनी माँ की निगाह में क्या होगा, अपनी फूफी की निगाह में क्या होगा, अपने बाबा की निगाह में क्या होगा, अपने अम्मू की निगाह में क्या होगा। कासिम जब खैमे से निकले हैं तो ऐसा लग रहा था कि जैसे चांद नमूदार हो गया है। कासिम गए लेकिन सिन मुबारक क्या है, उम्र शरीफ क्या है आपकी, 13 बरस का सिन है। लम यबलुग अल-हुलम, 13 बरस का सिन है। कद क्या है, कद्दो कामत ये है कि घोड़े पे तशरीफ फरमाए मगर रिकाबे फरस तक कदम नहीं जा रहे। कोई मुजाहिद ऐसा हो सकता है, बड़े से बड़ा शुजा हो बहादुर हो रकाब में पैर जमाए बगैर जंग करे। कासिम की जंग, कदम मुबारक रकाब पर नहीं जा रहे हैं और जिस्म पर कोई जरह नहीं है, जिस्म मुबारक पर जरह नहीं है, एक मामूली सा कुर्ता है, एक मामूली सी कबा और जंग फरमा रहे हैं, जंग फरमा रहे हैं। कासिम जंग करते करते फिर भी तारीख में और मकातिल में तज़किरा है कि कितने कितने अश्किया को वासिले जहन्नम किया है, जंग की है, जिहाद फरमाया है, दुश्मनान खुदा को कत्ल किया है और उसके बाद जब खुद जख्मों की ताब न लाए तो फिर घोड़े से गिरते गिरते कहा क्या कहा, हर शहीद करबला में कहता था कि आप पर आखिरी सलाम इमाम, आप पर आखिरी सलाम, अलैक मिन्नी सलाम, अस्सलामु अलैक और अलैक मिन्नी सलाम, ये तरकीब में फर्क क्यों है मालूम है, ये फर्क इसलिए है कि अस्सलामु अलैक या अस्सलामु अलैकुम या सलामुन अलैकुम, ये फकरे जब अदा होते हैं तो मकसद होता है कि मैं सलाम कर रहा हूँ, जवाब भी मतलूब है। लेकिन जब कहा जाता है अलैक मिन्नी सलाम तो उसके मानी होते हैं मेरा आप पर आखिरी सलाम, मैं आपको अब जहमत जवाब नहीं दे रहा इसलिए कि मैं जवाब सुनने के लिए जिंदा नहीं हूं। या ये पहलू होता है कि आपकी बुजुर्गी और आपकी रिफात और उसके साथ आपकी मुसीबत के पेश नजर, आपकी खस्तगी के पेश नजर हम सलाम तो कर रहे हैं मगर आपको जहमत जवाब नहीं देना चाहते। अलैका मिन्नी सलाम, हर सहाबी हुसैन ने हर अजीज ने इस अदब का लिहाज रखा। मगर अभी मैंने अर्ज किया ना, कासिम छोटे थे, कासिम छोटे थे, कासिम का बचपना अभी था, वो बचपना आपके उस जवाब में भी है। जब शब आशूर इमाम से गुफ्तगू हुई है, इमाम ने पूछा है कि मौत तुम्हें कैसी मालूम होती है, तो फरमाया शहद से ज्यादा शीरी, शहद से ज्यादा शीरी। बचपने का इजहार यहाँ भी है लेकिन यहाँ पुकारने में जनाब कासिम ने सिर्फ ये नहीं कहा आप पर आखिरी सलाम, जबान से अदा कर दिया, ये जुमला अदा हो गया, जुमला चचा जान